आइच हाय टू काउंट्स आइच नी सम आइच हाँ नी देखा स्लो मत के तो जो गेदन बना है नहीं ऑफिस है नहीं कहता हूँ आपको थर्ड ब्लॉक अच्छे समझा समझ में आ रहेगा। 5 4 3 5 नी सम देखा ए सो हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सभी का स्वागत हूँ हमारे चैनल में। तो लास्ट वीडियो जैसे आपने देखा था वार्म अप, उसके बाद बेसिक स्टांस और पंच था। आज हम लोग सीखेंगे ब्लॉक्स। ओके तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिए ये इंट्रो के बाद। स्की रे अस एकदाच। तो आज की वीडियो में हम हेल्प करेंगे मनाली मानसी और शशांक। ओके सो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका नाम है श्वेतोदके। तो ये जो ब्लॉक्स हैं हम सारे ब्लॉक्स कीपादाचे मीन्स थर्ड स्टांस में करने वाले हैं। तो आपको कीपादाचे डाउन ऑल ऑफ यू सबको कीपादाचे में जाना है। कीपादाचे में आपको याद होना चाहिए कि जो टोज है वो फ्रंट साइड रहेंगे ना कि 45। ओके तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड आउट करना है, पूरे लेफ्ट हैंड आउट और राइट हैंड बैक। जैसे हमने सिंगल पंच किए थे वैसे ही लेफ्ट हैंड आउट। जो थर्ड फर्स्ट ब्लॉक है हम थ्री स्टेप में करेंगे। ओके तो फर्स्ट काउंट एच। तो जो आपका पीछे वाला हाथ है वो आपके कान के पास जाएगा एच। ओके आपके कान को टच नहीं होना चाहिए, कान के पास जाना है। ओके सेकेंड काउंट में जो हाथ सामने है वो पीछे लेंगे नी। ओके थर्ड काउंट में जो हाथ कान पे है वो हम राउंड अप मीन्स आउटसाइड टू इनसाइड मीन्स बाहर से अंदर हम सामने ब्लॉक करेंगे सम। ओके तो ये जो ब्लॉक है ये टाइम पे आपका जो रिस्ट है ना आगे बेंड होना चाहिए ना पीछे, ये स्ट्रेट होना चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये जो आपका हैंड है वो आपके बराबर शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, ना शोल्डर के नीचे ना शोल्डर के ऊपर। अगर ये शोल्डर के ऊपर है तो भी रहोगे और शोल्डर के नीचे तो भी रहोगे। बेसिकली ये आपको स्टमक आपका जो चेस्ट पार्ट और स्टमक स्टमक पार्ट है उसको सेफ करने के लिए ये ब्लॉक यूज किया जाता है। ओके तो हम लोग फिर से थ्री काउंट में कंटिन्यू करेंगे। 2 1 एच नी सम शी गो रुक सेस हच क्यू जेव एच शव। तो मैं आशा करता हूँ आपको फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से समझ आ गया रहेगा। अगर आपको नहीं आया तो हम यहाँ पे एक बार डेमो करेंगे। ठीक है डेमो में हम हेल्प करेंगे मानसी एंड मनाली। आपको उनको देखना है वो कैसे ब्लॉक कर रहे हैं कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको देख के पता चल जाएगा कैसे यूज हो रहा है ब्लॉक। एच तो मैं आशा करता हूँ आपको फर्स्ट ब्लॉक शोधों की अच्छे से समझ आ गया है। अभी हम सेकंड ब्लॉक के लिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड ब्लॉक का नाम है ऊंची दो के। अभी हम ये ब्लॉक दो काउंट्स में करने वाले हैं पर यहाँ पे बेसिक स्टांस है कीपादाचे डाउन। यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड आउट राइट हैंड बैक। ओके अभी हम ये दो काउंट में करेंगे। फर्स्ट काउंट में आपका पीछे वाला हाथ आपके एल्बो के नीचे रखना है। वन मोर टाइम आपका हाथ आपके एल्बो के नीचे रखना है। यहाँ से आपको हाथ इनसाइड टू आउटसाइड बाहर निकालना है। यहाँ पे हम हमारा चेस्ट और स्टमक सेव कर रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं। फिर से लेफ्ट हैंड डाउन राइट हैंड इनसाइड टू आउटसाइड एच नी। ओके तो अभी आपको ये फिर से प्रैक्टिस करना है। आयकोदार एच नी सम शी गो ब्रोक सेस हच क्यू शव। मैं आशा करता हूँ आपको सेकंड ब्लॉक समझ में आ गया रहेगा। अभी हम यहाँ पे सेकंड ब्लॉक का डेमो करेंगे। डेमो में आपका हेल्प करेंगे मानसी एंड शशांक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ जाए। नी
सा शी शा। मैं आशा करता हूँ आपको सेकेंड ब्लॉक उच्ची दो के अच्छे से समझ आ गया रहेगा। अभी हम थर्ड ब्लॉक जोधा नागी हो के सीखेंगे। बेसिकली हमें कीपर दशी डाउन करना है, लेफ्ट हैंड आपको आपके फोरहेड के सामने रखना है। ओके, तो हम ये काउंट दो काउंट में करेंगे। फर्स्ट एच, ओके, आपको पहले प्लस बनाना है नी। ओके, अभी आपको जो जोधा नागी हो के ब्लॉक करना है, यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो फोरहेड है, आपका फोरआर्म्स आपके फोरहेड के सामने होना चाहिए, ना कि ऊपर ना ज्यादा नीचे। ओके, आपको बेसिकली आपका सिर बचाना है। तो यहाँ से आपको फोरहेड और फोरआर्म्स दोनों में वन हेड का डिस्टेंस, वन फिस का डिस्टेंस रखना है ऐसे। ओके, फिर से एच, ओके, यहां से टर्न होगा नी सम शी। ओके, तो आपको आपका फोरहेड बचाना है। ओके, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। 5 4 3 2 1 गो। एच नी सम शी गो रुक सेस हच क्यू शव। तो मैं आशा करता हूँ आपको थर्ड ब्लॉक अच्छे से समझ आ गया रहेगा। हम इसका भी डेमो करेंगे। डेमो में हमें हेल्प करेंगे मानसी एंड शशांक। ओके, सम शी गो रुक शेष शव। आशा करता हूँ कि आपको थर्ड ब्लॉक जुदा नागरिक के अच्छे से समझ आ गया रहेगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। ओके, तो हम हमारे लास्ट फोर्थ ब्लॉक के लिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ ब्लॉक का नाम रहेगा गेदन बराए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। तो जो गेदन बराए है, हमारी बॉडी हम पहले अच्छे से समझेंगे। जो आपका फेस लेवल है, तो ये फेस लेवल है, हम इसको जोदान बोलेंगे। फेस लेवल को हम जोदान बोलेंगे। स्टमक लेवल को हम बोलेंगे चूदान। ये जो आपका स्टमक है, हम इसको चूदान बोलेंगे। और आपका जो वेस्ट लेवल है, ओके, ये वाला जहाँ पे हमने बेल्ट पहना है, तो ये इसे हम बोलेंगे गेदान लेवल। ओके, तो गेदान बराए बेसिकली हम नीचे करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। कीपर दाचे डाउन, लेफ्ट हैंड आउट, सेम लेफ्ट हैंड आउट दो काउंट में करेंगे। तो यहाँ से आपका राइट हैंड पे लुक हो जाएगा एच। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है हाथ ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। ओके, एच बेसिकली ये हाथ नीचे जाएगा नी। ओके, हाथ नीचे जाना चाहिए। सम शी गो रुक शेष शॉ। ओके, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। एच नी सम शी गो रुक शेष अच क्यों शॉ। तो अभी हम फोर्थ ब्लॉक गिदन बराए का डेमो करेंगे। ठीक है, ये आपको कैसे यूज हो सकता है, तो इसमें हमें हेल्प करेंगे मानसी एंड मनाली। आपको इनको फॉलो करना है। गो एच नी सम शी गो शव रे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो कराटे की रिगार्डिंग। तो ये वीडियो के बाद मैं एम करता हूँ कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। ओके, तो ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बेल आइकॉन है, आप उसको हिट कीजिए तो हमारे कोई भी वीडियो अच्छे कंटेंट आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।